बैक टू माई YouTube चैनल एंड आज है उत्तरायण का सेकेंड डे और आज मैं कुछ इस तरह के कपड़े पहनी हूँ, कुछ भी चालू कपड़े हैं। मानसी को दिखाती हूँ। मानसी एक घंटे से तैयार हो रही है पर अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। दो घंटे से लिपस्टिक लगा रही है पर अभी तक वो लिपस्टिक पूरी नहीं हो पाई है, देख लो। उसके बाद हम लोग गए टेरेस पे एंड बहुत ज़्यादा धूप थी गाइज, मतलब इतना ज़्यादा स्किन बर्न हो रही थी ना कि क्या बताऊँ, बट मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि ये उत्तरायण वाली फीलिंग ऐसी होती है ना कि कितनी भी धूप हो कितनी भी टैनिंग आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पतंग उड़ाने को मिलना चाहिए ऐसा होता है हमारे गुजरात में। तो उसके बाद हमने पतंग स्टार्ट किया तो मेरा तो कैसा है ना कि जब मैं पतंग उड़ाती हूँ ना तो पतंग तो उड़ जाती है बट फिर कोई ना कोई आकर बीच में उसको काट देता है, फिर मैं रह जाती हूँ ऐसे के ऐसी। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे बच्चे का एक चश्मा लगाया हुआ था तो मैं आकर कैमरे में दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। तो उसके बाद मेरे भाई ने पतंग उड़ाना स्टार्ट किया एंड उसने बहुत सारी पतंग काटी, मुझसे तो नहीं कटती क्योंकि मुझे ना स्पेशली जो उसकी डोरी होती है ना मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब हाथ कटने का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं बहुत ही आराम से उसको चकाती हूँ क्योंकि जब वो ऊपर जाती है ना हवा में तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती है पतंग, तो मुझे ना डोरी पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मैं बहुत कम उड़ाती हूँ पतंग। उसके बाद मैं यहाँ पे डांस कर रही थी, वो वाला पतली कमरिया वाला सॉन्ग बज रहा था तो यार वॉइस ओवर करना पड़ता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कभी कभी कि क्या बताऊँ, क्योंकि यूट्यूब में सब कुछ अच्छा है बट एक ही चीज़ है कि यार अगर बैकग्राउंड में भी सॉन्ग बज रहा है ना तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए फिर मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर साथ साथ में डांस भी कर रही हूँ पतली कमरिया पर क्योंकि सॉन्ग तो मतलब ऐसे मैं डाल नहीं सकती थी अदरवाइज़ ना कॉपीराइट आ जाता। पिछली वीडियो में डाला था तो पूरा एक सॉन्ग डाला था मैंने, उसमें नो कॉपीराइट लिखा हुआ था बट वो जब मैंने उसको अपलोड किया ना तो फिर कॉपीराइट आ गया, फिर मुझे सारा सॉन्ग है ना यूट्यूब के म्यूज़िक से उसको ऐड करके डालना पड़ा, इसलिए मैं इस वाले ब्लॉग में ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद ये मेरा बेबी आया, आप बताना कि ये येलो कुर्ते में कैसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे ये येलो कुर्ते में। तो आप बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा था, और मैं उसके साथ डांस कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉन्ग कंटिन्यू सॉन्ग बज रहे थे इसलिए पूरा ब्लॉग मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पतंग चढ़काना स्टार्ट किया और मैंने कितनी कोशिश की बट पतंग मुझसे उड़ ही नहीं रही थी, मतलब इतनी मतलब लोग भी हंसते नाचने लगते कि यार इसको पतंग उड़ाने नहीं आती। पहले मैं बहुत उड़ाई करती थी बट अभी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा पतंग में, बट फाइनली किसी ने आगे से जाकर उसको हपाया ना तो मैंने तो वो पतंग उड़ गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर तक उसको जैसे ही उड़ाया कुछ देर के बाद तो वो कट गई, मतलब मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब मैं उड़ाऊंगी ना 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और मेरी पतंग कट जाएगी, तो इतना वो लगता है ना। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि फाइनली मैंने पतंग उड़ा ली बट फिर कट जाती है पतंग। फिर हमने बहुत खूब मज़े किए और अराउंड शाम को 6 बजे तक हमने पतंग उड़ाई और बहुत चिल्लाया भी। उसके बाद मेरी सिस्टर आ गई, मतलब उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड, उसके देवर सब लोग आ गए। उसके बाद माही और मानसी और दीपूजी यहाँ पे लंगस लड़ा रहे थे और कैमरे में आके उसको दिखा रहे थे। इन्होंने बहुत सारी मस्तियाँ की बट वो मैं नहीं डाल सकती बिकॉज बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहे थे, बट ये लोग जो बोल रहे थे ना अगर आप लोग सुनते ना तो हंस हंस के आप लोग के पेट दुख जाते, मतलब आप लोग पागल हो जाते, ये लोग इस तरह की कॉमेडी कर रहे थे तो खूब मज़ा आया। और उसके बाद नाश्ता वगैरह भी बहुत हुआ। उसके बाद गाइज़ मैंने ना मेरे चैनल पे गिव अवे रखा है तो अगर आप लोगों ने नहीं चेक किया मेरे शॉर्ट वीडियो को तो फटाफट से जाकर चेक कर लो, और बहुत ही जल्द मैं उसका लॉन्ग वीडियो भी डालूंगी कि यार रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं गिव अवे को मैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फटाफट से जाकर मेरा शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पे पतंग वतंग उड़ाने के बाद नाश्ता वगैरह हुआ, चाय भी पिए, उसके बाद फिर से हम आ गए पतंग उड़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी तो बहुत मस्ती की हमने। एंड गाइज़ आप लोग मुझे बताना कि ये वाला व्लॉग आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि वॉइस ओवर करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड में म्यूज़िक की वजह से, बट अगर नेक्स्ट जो व्लॉग मैं अगर करूँगी तो मैं वॉइस ओवर ज़रूर करूँगी, बट अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है 10 लोगों के सामने वॉइस मतलब बोल कर व्लॉग बनाना, तो मैं धीरे धीरे वो भी सीख रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ तो वो भी हो जाएगा मुझसे। एंड आप लोग बताना कि ये वाला उत्तरायण वाला व्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिएगा ताकि हमारी एक बड़ी सी फैमिली बन सके। साथ ही साथ आप लोग
कमेंट में ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते। जब अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस मतलब मेरे वीडियो को पसंद कर रही है। साथ ही साथ आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब मेरे वीडियोस कौन कौन से देश में देखे जाते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे जो मेरा सन है ना, वो मेरा कपड़े पकड़ के खींच रहा था, उसके बाद हमने पतंग उड़ाई और उसके बाद फिर मैंने उसको ले लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था और उसको भूख भी लगी थी। तो यही सारी मस्तियाँ हमने की गाइस। तो आप लोग बताना कि आप लोग के वहाँ पे पतंग वतंग उड़ेगा वगैरह उड़ाया जाता है या नहीं, क्योंकि हमारे गुजरात में तो सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल माना जाता है इसको। मतलब जितने भी गुजरातीज होते हैं, मतलब 2 दिन तक आपको टेरेस पे ही दिखेंगे, चाहे धूप हो कड़कती धूप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पतंग उड़ाने को चाहिए, भले मुँह एकदम काला भद्दा क्यों ना हो जाए, बाद में देख लेंगे, बट पतंग उड़ाने को चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गुजरात में बहुत ज़्यादा ये फेस्टिवल को माना जाता है, मतलब। और यहाँ पे जो ये उत्तरायण का ना फेस्टिवल भी बहुत बड़ा सेलिब्रेट होता है, मतलब वो फ्लावर शो वगैरह भी होता है, काइट फेस्टिवल होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत होती हैं गुजरात में। आप लोग के वहाँ पे होता है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर ने पतंग उड़ाना स्टार्ट किया और अराउंड उसने 5 से 6 पतंग काटी, शायद हाँ 5 से 6 पतंग काटी, और उसके बाद कटवा भी दी, मतलब 5 से 6 पतंग तो काटी मैंने, तो वो भी नहीं काटी मैंने, तो मुझसे तो उड़ती भी नहीं थी पतंग, बट इससे तो उड़ भी गई थी और कट भी गई थी। तो और चिल्ला भी रही थी, हम लोग डांस भी कर रहे थे और पीछे थोड़ा भोजपुरी सॉन्ग भी बज रहा था, तो वो भी थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। आप देख सकते हो किस तरह से डोरी खींच रही है, मुझे तो डर लगता है कि हाथ ना कट जाए, तो मैं तो वो भी नहीं खींच पाती, ये तो वो भी कर। 4 से 5 पतंगे इसने मतलब काटी थी यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पहली बार आई थिंक मतलब जब से ये दुनिया में आई है इसने पहली बार इतनी पतंग काटी होगी आई थिंक। तो कुछ इस तरह से हमारा ये फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया। आप लोग बताना कि आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया कमेंट करके, और किन किन को ये व्लॉग पसंद आया उसका भी मुझे कमेंट करना, और फटाफट से जाकर मेरा आप शॉर्ट वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने गिव अवे रखा है और आप ज़रूर से उसमें पार्टिसिपेट करिए। मैं कल या परसों तक उसका जो लॉन्ग वीडियो होगा उसका रूल्स एंड रेगुलेशन वो पूरा अपलोड कर दूँगी, तो आपको पूरा गिफ्ट्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि क्या मैंने गिफ्ट्स रखा हुआ है और क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो के लिए मुझे आगे फॉलो करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।